बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सबसे प्रमुख हेड हमारे परिवार के मुखिया गार्जियन माननीय श्री ओंकार नाथ सिंह जी विकास करने में जिनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, वो बॉम्बे के एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहिए, उसके तीन वैज्ञानिक हमारे यहाँ आज मौजूद हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी हम लोग बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं इस गांव में, झारखंड की धरती पर। इसमें हमारे डॉक्टर संजय जामुलकर साहब हैं, दूसरा हमारे एक मैडम हैं डॉक्टर अर्चना राय और एक डॉक्टर शंकर भुजवल जी, ये तीनों मुंबई से पधारे हैं ये बिरसा की धरती पर। और ये जो किस्म आप जो देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ करीब 11 एकड़ में, इसमें इसके विकास करने में इनका बहुत बहुत अहम रोल रहा है, बहुत बहुत योगदान रहा है। और करीब ये 8-9 साल के अथक परिश्रम के बाद ये किस्म का विकास बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और ये भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र के सहयोग से ये भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है। अरे बहुत कम लगता हूँ, लेकिन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और यूपी की बात जहां हम करते हैं, 25 से 30 क्विंटल तक का रिकॉर्ड किया गया है। एवरेज यदि हम करते हैं तो हमारा 22 क्विंटल से कम राजस्थान या हरियाणा या पंजाब या यूपी के कुछ पोर्शन में जो है, कुछ भाग में, यूपी के कुछ भाग में इसकी उपज इतनी आती है। और बहुत सा तेलहनी फसलें आपके यहाँ, जमीन जिस तरह का दिखाई हमको दिया, मैं यहाँ बूढ़ा भी आपके सामने बगल में ही, मैं करीब 10 सालों तक वहाँ पर तीसी का प्रत्यक्षण किया हूँ। और वहाँ के किसान बहुत अच्छे तरह ढंग से किए हैं, जैसे कि आज हमको इस गांव में देखने को मिला। जो सरसों के खेत में जाने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि आज मैं राजस्थान के किसानों के खेत में घूम रहे हैं। इस तरह की यदि हमारे किसान, झारखंड के किसान, छोटे छोटे जहाँ पर जगह खाली रह जाता है वहाँ पर यदि लगाए तो उनको एक अच्छा फायदा होगा। रायपुर के बॉर्डर पर दिया था,
इसी तरह का फसल वहाँ भी लगा हुआ था, तो बस से आने जाने वाले की जो लोग होते थे या साइकिल मोटरसाइकिल से जाने वाले जब उस रास्ते से चलने वाले लोग थे होते थे, वो जो तो रुक कर कहते थे कि इस बीज को हमारे लिए अगले साल के लिए रख देना। मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पर जो सरसों की खेती हुई है, किसान भाइयों आप लोग अभी से ही 2 केजी 1 केजी जो सो अपना डिमांड जो सो दे दी कि हमें भी चाहिए। आपके इस खेती करने के लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत की आवश्यकता नहीं, धान काटने के बाद भी आप लगा देंगे तो आपका मिनिमम जो सो 1 हेक्टेयर में 4 से 5 क्विंटल 8 क्विंटल तक का आपका उपज मिल जाए। जंगल थे मतलब के घर में जो छुपा हुआ था, रिसर्च फील्ड में था, यूनिवर्सिटी के बाउंड्री में था, उससे बाहर निकलेगा तभी ना लोग देखेंगे। तो आज उसी सिलसिले में आपके पास हम लोग आए यहाँ पे और चाह रहे थे कि आप लोग आ जाए तो आपके साथ देखें उसको, नहीं तो वहां आप देखते आप बताते कि इसमें अच्छाई क्या है खराबी क्या है, आपकी आंख दूसरी होगी, उस आंख से देख के बताते तो उससे फायदा हमको भी होता। और हम बोलते भी हैं कि अगर कुछ अच्छा लगे तो दूसरों को बोलिए और कुछ खराब हो तो मेरे कान में बोल दीजिए तो उसको हम फिर सही करेंगे। यही हमारे यहाँ भी मेला लगता है, उसमें इंतजार मत कीजिए, अखबार में निकलता है अपने से आइए, इसलिए कि एक बच्चे में किताब पढ़ा था कि आलसी आदमी जामुन के पेड़ के नीचे मुंह खोल के लेटा रहा 3-4 दिन तक, इसको जामुन मुँह पर नहीं मिला। तो अगर हम आलसी होंगे, सरकार के इंतजार में रहेंगे, मिर्सा कृषि विश्वविद्यालय के इंतजार में रहेंगे, हो सकता है कि नहीं हो पाए। तो जैसे आपको खबर मिले आप दौड़िए, वो आपका घर है, मंदिर समझिए उसको, और ऐसे भी जाइए वहां, उनको बताइए कि हमको ये चीज की आवश्यकता है, उससे फायदा होगा हम जैसे वैज्ञानिक कि हम समझेंगे आपका प्रॉब्लम। चाहे रांची से बिरसा विश्वविद्यालय के जो लोग आए हैं, जैसे ही सरसों के खेत के करीब गए हम लोगों की खुशी की कोई इंतहा न रही, बहुत ज्यादा सभी लोग खुश हो गए, उम्मीद से ज्यादा। और हम सबको, हम लोग जनरली खुश कम ही होते हैं क्योंकि दिन भर ऑफिस में और खेत में काम करते जरूर हैं, बहुत तरह के टेंशन होते हैं। सही खुशी अगर है कहीं तो वो गांव में है, गांव आकर के ही खुशी होती है, और वो गांव जहां पे कुछ मीनिंगफुल कुछ अच्छा हो रहा हो और कुछ देखने को मिले तो खुशी की कमी नहीं रहती है। तो हम लोग बहुत खुश हैं और आप लोगों को भी आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा खुश कर पाए उसके लिए प्रयास हम लोग करते रहेंगे। आज तो हम एक बार राजेश श्रीवास्तव और उनके टीम के लिए सबसे पहले संयुक्त रूप से जोरदार ताली बजवाना चाहेंगे। मित्रों, किसान भाई बहनों, आप हम सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष की हिंदुस्तान की रूह जो है वो गांव में बसती है और खेती हमारे आर्थिक स्थिति की रीढ़ है। खेती ना हो तो फिर कोई देश विकास नहीं कर सकता, खास करके हिंदुस्तान जैसा देश। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, और मुझे लगता है एक ऐसी एक वैरायटी, ऐसा नाम कहीं वैरायटी में है नहीं, और राजेश जी के खेत में जाके लगा कि ये जो 2 महान लोगों ने भारत वर्ष के लिए काम किया है तो उसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे ये फील्ड में मिला, तो हम तो बहुत खुश हैं। और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा ने देश के लिए अपनी आहुति दी है, और होमी भाभा ने यहाँ पे अपना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, तो इसके बारे में थोड़ा सा। होमी भाभा रिसर्च सेंटर आपके लिए काम करता है, तो परमाणु ऊर्जा जो है
वो लोगों तक उसका उपयोग लोगों तक कैसे पहुंचे उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो उसका उपयोग होता है, जैसे हम एक्सरे निकालते हैं कभी कभी, तो देखो उसमें भी परमाणु ऊर्जा का उपयोग है। कभी कभी कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें भी परमाणु ऊर्जा का उपयोग होता है। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो होती है उसमें भी परमाणु ऊर्जा का उपयोग होता है। और हम अच्छी उपज बनने वाली किस्म कैसे बनाए जाए तो उसमें भी हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके जो आज आपके खेत में आपके गांव में लगी है उसमें भी एक जो पेरेंट है हमने परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके ही आपके तरफ ये किस्म आई है। तो परमाणु ऊर्जा के ऐसे कई फायदे हैं जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हर एक गांव में उसका हर एक लोगों को उसका फायदा होना चाहिए यही प्रयास करते हैं। और यही हमारा प्रयास था कि एग्रीकल्चर में ऐसी वैरायटी बनाई जाए कि जो किसानों को फायदा हो। अभी ये मस्टर्ड हमने लगाया है तो आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि क्यों ये हमने मस्टर्ड लगाना चाहिए। एक तो बात है कि हमारे खाद्य तेल की जो भारतवर्ष में कमी है वो पूरी करने के लिए भारत सरकार 75,000 करोड़ से 80,000 करोड़ तक खर्च करता है, हमें तेल मिलना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अगर ऐसी पैदावार करें राजेश कुमार जैसी, और हम तो सोच रहे थे कि चलो भाई इसका यील्ड अभी राजेश जी कितना यील्ड जब करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन हमने जब चालू किया तो हमने सोचा चलो भाई 15 क्विंटल, और हमारे जितने भी प्रयोग हुए हैं खेत में चलो भाई 15-16 क्विंटल, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में पता चला तो ये तो 20 क्विंटल भी जा सकती है, 25 क्विंटल भी जा सकती है, 30 क्विंटल भी जा सकती है। और मैं बार आके पैदावार को देखता हूँ, यह बहुत ही अच्छा पैदावार दिया है, इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ इस वैरायटी को सब अपने अपने खेतों में लगाएंगे अगले साल। जैसा कि सर बोले कि यही इस वैरायटी का सबको बीज जो लगाएगा उसको 2-2 किलो दे के अगला साल 4-4 किलो लिया जाएगा ताकि इसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर सकें। के माध्यम से सरसों और सरसों का तेल किसान को कितना जरूरी है। आज धान की खेती करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग को 14-15 रुपया से ज्यादा दाम में नहीं बेचते हैं। अगर हम लोग चावल धान का खेती करके चावल उगा खा लेते हैं, लेकिन सब्जी भी उगा के खा लेते हैं, लेकिन बिना तेल से हम उसको स्वादिष्ट नहीं बना के खा पाएंगे। आज 14 रुपया में हम लोग धान बेचेंगे और 180 रुपया में तेल खरीद के खाना ही पड़ता है। तो इसमें यह सीख मिली है कि आज हमारे कुड़ियामों के सभी किसानों के पास 1-2 एकड़ बंजर जमीन पड़ा हुआ है। सभी ने अपना बंजर जमीन पर सरसों की खेती उगाकर कम से कम एक परिवार में 50-60 केजी अगर सरसों उगा लेते हैं तो एक साल का तेल उनको मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मैं निदेशक अनुसंधान को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतनी सारी मेहनत बेचारे हमारे वैज्ञानिक कर रहे थे लेकिन वो सरकार द्वारा रिलीज नहीं हो पा रही थी। इसलिए सरकार की गलती नहीं थी, हम ही लोग उनको परसू नहीं कर रहे थे। तो मैं इनको रोज रोज टोकता था, करीब करीब हर दूसरे तीसरे दिन टोकता था कि भाई उसको जरा सा आप करिए देखिए, और इनके प्रयास से ये बार बार गए वहाँ सरकार में और करके उसको किए, अभी फिर लगा हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारी वैरायटीज हैं जिसको हमको रिलीज करवाना है। तो इनको और बॉम्बे से आए हुए हमारे जो संजय जी हैं जो जामुलकर, ये दूसरा टाइटल हम क्योंकि हम कटक में भी एक जामुलकर थे, तो इनको भी मैं क्योंकि इनकी टीम ये पहले से कर रहे थे, मुझे तो पता नहीं था, मुझे कल ही पता चला कि ये हमारा यूनिवर्सिटी जो है इन लोगों के साथ सहयोग में काम कर रही है, और इनकी पूरी टीम मैडम अर्चना मैडम शंकर जी और हमारे आप जानते हो आप सभी लोग और जो महिलाएं हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में मुझे भी पता है कि अधिकतम काम महिलाएं करती हैं, वो चाहे
घास निकालना हो या रोपाई करना हो, कटाई करना हो, पुरुषों से कम सहयोग औरतें नहीं करती हैं। तो मैं इन सभी चीज़ों, लेकिन आप जानते हैं कि कोई तभी आगे बढ़ता है जब सबका सहयोग मिलता है। आज मुझे पता नहीं, 17 महीने मेरा इस विश्वविद्यालय में बीत गया, सबसे अधिक खुशी हुई तो आज ही हो रही है। और वो इसलिए कि हमारे सारे वैज्ञानिक एक साथ मैं देख रहा हूँ इनको कि, और एक साथ एक भाषा बोल रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें मैं इनको देख रहा, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृत में कहा गया है कि जहाँ पर सब लोग मिल करके काम करते हैं, नहीं, वहीं पर जो है प्रगति होती है, विकास होता है, वहीं पर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रदेश में सिल्क भी होता है और क्या नहीं होता है, झारखंड में, झारखंड की सब्जियां हम उड़ीसा में थे वहां खाते थे तो पूछने पर पता चलता था कि ये झारखंड से आती है सब्जी। तो आपके पास तो सब कुछ है, बस प्रयास करने की जरूरत है। जैसा कि अभी राजेश जी और उनकी टीम ने थोड़ी सी प्रयास किया, हम लोग हमने कहा था कि हमारे पास संसाधन इतने नहीं है कि हम झारखंड के हर जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी यही सब आपस में बात कर रहे थे कि कम से कम मस्टर्ड को जहां जहां दे सकते हैं उस कोशिश करते हैं कि हम लोग अधिक से अधिक, और इस गांव में जो इच्छुक होंगे 2 किलो फ्री का बीज हम देंगे विश्वविद्यालय की तरफ से, और जिससे कि कम से कम अगली बार, आपको पता है कि एक एलोवेरा विलेज नगरी गांव के पास पूरा हमारे वैज्ञानिक ने आच्छादित कर दिया है, उसी तरह से अगली बार जो है हमारी टीम जो है ये पूरा मस्टर्ड इस गांव में आच्छादित कर देगा। क्योंकि देखिए बहुत सारी एरिया में आ रहा था रास्ते में तो फाइल होती है, खाली पड़ी हुई पड़ती है इस सीजन में, अगर इसमें से कुछ निकलेगा तो, और ये सही है कि जब हमारा देश दूसरे देशों से खाद्यान्न तेल मंगा रहा है तो फिर अपने देश में होगा तो क्यों नहीं खरीदी जाएगी, निश्चित रूप से। तो मैं तो यहाँ तक मेरे कार्य तो देखने के लिए आए हैं, तो मैं आज बहुत खुश हूँ और आप लोगों को भी एश्योर करता हूँ कि आगे जो खाली जमीन बची है उसमें आप जरूर खेती करें। हम तकनीकी सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं खेती तो आप हमारे साथ मिलकर खेती करिए ताकि हम इस कृषि को आगे बढ़ाया जाए और भारत को कृषि प्रधान देश बनाए। धन्यवाद। कैसा लगा ये सरसों? ठीक, सरसों आप लोग हमेशा लगाते आ रहे हैं, लेकिन ये सरसों कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, अच्छा है ना, तो नेक्स्ट ईयर लगाने वाले हैं सब। हाँ, लगाएंगे, फिर फोटो खींच के भेजिए, हमें भी भेजिए कि आपने लगाया है, कैसा पैदावार हुआ है ना, और उसमें जो कमी बेसी होगा फिर हम लोग और उसके ऊपर।